हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट्स शेयर करने वाली हूँ जिनको आप इस रेनी सीजन में बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लांट आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं आपको इंडोर आउटडोर प्लांट सभी बताऊँगी जो कि आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैं ऐसे प्लांट बताने वाली हूँ जो मेरे यहाँ अभी कटिंग से ग्रो हो सकते हैं। मैं जो आपको ये भी बताऊँगी कि मेरे घर में, मतलब मेरे यहाँ के एरिया में, मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर अभी है और मौसम जिस हिसाब से, उस प्लांट में कौन सी कटिंग अभी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो जो कटिंग चल जा रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे फर्स्ट में देखिए, एग्लोनीमा का प्लांट है जिसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और साल में सबसे अच्छा जो बेस्ट सीजन होता है वो जुलाई अगस्त का होता है, क्योंकि जुलाई अगस्त में अच्छी बारिश होती है। पर मेरे यहाँ इस बार बारिश नहीं हो रही, मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई वही। लेकिन मैंने शुरू में ही जुलाई में इनकी कटिंग लगा दी थी, तो मेरी लगभग 15 से 20 कटिंग इनकी ग्रो भी हो गई है। मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये देखिए, एक प्लांट मैंने ये कटिंग से ग्रो किया है और कितना अच्छा ये ग्रो हो गया, देखिए इतना हेल्दी सा। और पूरी बास्केट मैंने एक रखी है, पीछे भी देखिए ये दो प्लांट मेरे कटिंग से ग्रो हो गए हैं और उधर भी देखिए, उनको मैंने अभी अभी लगाया लगभग एक हफ्ते पहले, जो पीछे में रखे हैं। और एक पूरी बास्केट भर के मैंने लगाई है, मैं आपको उसको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर रखी हुई, मैंने अभी इनको थोड़ा छुपा के रखा है क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और पानी नहीं बरस रहा है, तो इसलिए मैंने उनको छुपा के रखा। तो इस समय पे आप एग्लोनीमा की कटिंग बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जैसे देखिए ये प्लांट इस तरह से लंबे लंबे से हो जाते हैं ना, थोड़े से, ये उस दिन पूरा गिर गया ऊपर से, तो इसकी पूरी मिट्टी नीचे गिर गई, पूरी रूट्स ओपन है। देखिए नीचे बेबी प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं। तो ये दो तरह से डिवाइड होता है, एक तो आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, दूसरा आप इसको रूट से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब रूट से नीचे से इस तरह छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलेंगे, तो जब बेबी प्लांट थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, ये भी देखिए अलग से एक प्लांट में दो दो तीन तीन प्लांट हो गए, तो इन प्लांट को हम अलग अलग करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो एक प्लांट तो हमारा हो गया एग्लोनीमा। इसकी जो भी वेरायटी आपके पास हो, देखिए एक ये है वेरायटी मेरे पास, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इनको देखिए मैंने अभी उस दिन पूरे रूट्स ओपन करके रिपोर्ट किया है और बिल्कुल भी शॉक नहीं लगा है, बिल्कुल अच्छे से ये चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो पत्तियाँ आ रही थी वो आ रही, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई कि पत्तियों में मतलब कोई दिक्कत हो गई है रिपोर्टिंग करने से। तो बहुत ही अच्छे से ये इस समय बहुत अच्छा इनका सीजन है। दूसरा देखिए, बेबी रबर प्लांट जिसको हम बोलते हैं पिप्रोमिया का प्लांट, ये देखिए मैंने कुछ टाइम पहले पानी में लगाई थी इसको, और इनके रूट्स देखिए आप, ये देखिए ये इस तरह से। तो आप इनको पानी में ग्रो करिए, कोकोपेट में ग्रो करिए, सैंड में ग्रो करिए, ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। अब मैं इसको मिट्टी, कोकोपेट और सैंड के मिक्सचर में इसको मैं रिपोर्ट कर दूंगी एक दो दिन में। तो ये देखिए कटिंग हमारी ग्रो हो चुकी है, इसमें कम से कम 6 से 7 कटिंग लगी हुई है। तो बेबी रबर प्लांट को भी इस समय आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये पूरे साल के 12 महीने कभी भी ग्रो हो जाता है। इसके बाद देखिए सकुलेंट, सकुलेंट आपको दिखा दूँ, मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई सकुलेंट की, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सबकी मैं अपडेट भी दिखाऊंगी। जिन प्लांट से मैंने कटिंग ली है उनमें देखिए छोटे छोटे न्यू ग्रोथ हो रही है, इनमें नए नए प्लांट निकल करके आ रहे हैं ऊपर से, जहाँ जहाँ से, ये देखिए यहाँ से भी और यहाँ से 4-5 प्लांट इसी तरह के प्लांट बनते हैं छोटे छोटे से। और ये जो मैंने कटिंग लगाई है अभी सिर्फ 3-4 दिन पहले मैंने ये कटिंग लगाई है, तो ये बहुत आसानी से ये भी ग्रो हो जाएंगे। तो सकुलेंट को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्रिसेंथियम, आप इस समय क्रिसेंथियम की भी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे जब बारिश होती रहती है तो कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन मेरे यहाँ मैंने कुछ कटिंग पहले ही लगा ली थी, 2-4 कटिंग वही मेरे पास है। इस बार मैंने ज़्यादा कटिंग इनकी लगाई भी नहीं है, तो क्रिसेंथियम की कटिंग भी इस समय आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ का मौसम अच्छा है तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और ये वैसे भी मतलब कभी भी ग्रो हो जाता है, जून जुलाई में, मतलब जून में भी हम इसको ग्रो कर लेते हैं तो ये हो जाती हैं। तो अभी देखिए ग्रोथ ज़्यादा अच्छी तो नहीं निकल करके आ रही है। इसके बाद देखिए ये है एलोकेसिया का प्लांट, आप एलोकेसिया का प्लांट बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैंने कटिंग से लगाया था और 3 दिन आप इसको पानी में रखेंगे तो एकदम मोटी मोटी रूट्स इसमें निकल करके आ जाती है, इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। देखिए कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट और कितना मैच्योर प्लांट आपको दिख रहा होगा, छोटी सी कटिंग ही लगाई थी। उसके बाद देखिए डिफेनबेकिया डमकिन जिसको हम बोलते हैं, उसकी वेराइटी है ये, वैसे इसको वाइट एग्लोनीमा भी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है, देखिए इसकी कटिंग मैंने यहाँ से कट करके लगाई है, ये देखिए, तो ये कटिंग भी हमारी ग्रो हो गई है और ये नीचे से बेबी प्लांट निकले हुए हैं। ऊपर का भाग मैंने कट कर लिया क्योंकि उसके पत्ते थोड़े ख़राब हो गए थे, जब धूप में गर्मी में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो इनके पत्ते थोड़े से ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं साइड से, तो इसको भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कलांचो, कलांचो की कोई से भी वेरायटी आप ग्रो कर सकते हैं। इनमें भी रूटिंग अब स्टार्ट हो गई होगी, लगभग 1 हफ्ता हो गया मुझे इनको लगाए हुए और मैं एक ही प्लांट लेकर के आई थी नर्सरी से और उसको मैंने कटिंग से लगा दिया था, और 2-3 कटिंग मैंने देखी ऐसी कोकोपीट के मिक्सचर में छोड़ दी थी,
ये देखिए, तो इसमें देखिए रोटिंग स्टार्ट भी हो गई है, ये एक हफ्ता भी नहीं हुआ इसको रखे हुए, देखिए दो तीन रूट इसमें आई हुई है। तो कलेजों की कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। कोकोपीट और सैंड के मिक्सर में आप इसको भी लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो होने वाला पौधा है। और सकलेंट का तो कोई सा भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप इस समय जीजी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। मैंने प्लांट इतने मुश्किल जगह में रखे हो क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ना। ये देखिए मैंने पत्तियों से ग्रो किया है, यहाँ पर भी मैंने कुछ पत्तियों को रखा था तो उनमें भी देखिए बेबी प्लांट ग्रो हो गया है। क्योंकि मेरा जो मैं प्लांट नर्सरी से लेकर आई थी मेरा प्लांट ख़राब हो गया था, फिर मैंने पत्तियों से इसको ग्रो किया है और देखिए ये ग्रो हो गया। तो इस समय आप इसको स्टेम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली ये ग्रो हो जाता है, तो कहीं से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मनी प्लांट, आप इस समय मनी प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। देखिए मैंने कितनी ढेर सारी कटिंग यहाँ पे लगाई हुई है और बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। अभी थोड़ा सा मुरझाया क्योंकि दो तीन दिन तो इसकी कटिंग पड़ी ही रह गई थी, तो मैंने लगाया नहीं था, बाद में फिर लगाया दो तीन दिन के बाद, तो ये अब इस तरह से ग्रो हो रही है। तो इनको भी आप ग्रो कर सकते हैं, कोई से भी मनी प्लांट की वेरायटी है आप उनको ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए बिगोनिया का प्लांट है, अगर आपके पास बिगोनिया का प्लांट है तो इस समय आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर लीजिए। इसकी मिट्टी देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई थी, तो पत्तों की चमक बिल्कुल ख़त्म हो गई है, नहीं तो ये भी फ्लावरिंग भी कर रहा था और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रहा था। तो बिगोनिया को भी आप कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं। इधर कलांचों की मैंने ढेर सारी कटिंग लगाई थी जो कि सारी ही ग्रो हो गई हैं। देखिए सारे ऑरेंज वाले हैं, इनकी कटिंग मैंने लगाई थी तो ग्रो हो गई हैं। और ये सारे मदर प्लांट पड़े हुए हैं, इनकी कटिंग अभी मुझे लगानी है तो मैं लगा दूँगी कुछ दिनों बाद। उसके बाद देखिए फिलोडेंड्रोन, ये फिलोडेंड्रोन की कटिंग मैंने प्योर कोकोपीट में लगाई है और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। देखिए इसमें नए नए पत्ते भी आने शुरू हो गए, ये देखिए ये नया पत्ता निकल करके आया है अभी। तो ये फिलोडेंड्रोन का बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत बड़े बड़े पत्ते इसके हो जाते हैं, तो मैंने कट करके पुराने पत्ते हटा करके ऊपर का भाग कट कर लिया। और जो इसका मदर प्लांट था ना उसमें देखिए रेड रेड कलर के, ये देखिए यहाँ से एक और दो, और एक दो शायद नीचे से भी निकल रहे हैं, नहीं अभी तो फिलहाल दो ही निकल रहे हैं इसमें से और साइड साइड से निकलेंगे, जहाँ जहाँ से नॉर्ड एरिया होगा ना, जहाँ जहाँ से पत्तों का एक नीचे से भी निकल रहा है बेबी प्लांट। तो ये देखिए यहाँ से छोटे छोटे बेबी प्लांट ग्रो हो रहे हैं। और ये जो डिफेनवेकिया का मैंने दिखाया था, तो ये जब मैं ले करके आई थी तो उसकी मैंने छोटे से ब्रांच को अलग कट करके लगा दिया था, छोटा सा बिल्कुल ब्रांच, तो उसमें से देखिए दो बेबी प्लांट ग्रो हुए थे। ये देखिए काफ़ी सुंदर सा प्लांट है। एक प्लांट लेने हम जाते हैं तो कम से कम 100 रुपीज़ से कम तो मिलता ही नहीं है। इसके बाद देखिए आप सिंगोनियम को इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखिए कट सिंगोनियम इस समय इस तरह से हो जाते हैं, इनको बहुत ही आसानी से यहाँ से कट करके देखिए इसमें रूटिंग भी हुई रहती है पहले से, और सिर्फ एक दिन में ही कटिंग हमारी ग्रो हो जाती है, मतलब एक से दो दिन में ये सेट हो जाती है तो ग्रो करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से लंबे लंबे प्लांट जब होने लगते तो आप इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए एक और वेराइटी है ड्रेसिना कि इसको भी आप छोटे छोटे बेबी प्लांट से इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं, नीचे से निकाल करके डिवाइड करके, और या तो इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फिलोडेंड्रोन बिरकिन का प्लांट है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसका जो प्लांट था मैंने इसकी कटिंग लगा दी है ऊपर की ब्रांच, और नीचे से देखिए बेबी प्लांट निकला हुआ है यहाँ से साइड से। और मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ी सी रूटिंग एक दो हो जाएगी तो मैं इस प्लांट को अलग कर लूँगी और इसमें फिर दूसरा बेबी प्लांट निकलेगा तो दूसरा प्लांट बनेगा। एक प्लांट हम लेने जाते हैं तो 250 में इसका एक प्लांट मिलता है, काफ़ी कॉस्टली प्लांट आता है ये, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके बाद देखिए ये है स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट की कोई सी भी वेरायटी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मेरे प्लांट की देखिए थोड़ी सी चमक कम हो गई क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सूख जाती है इनकी मिट्टी कि बिल्कुल पतले पतले से इनकी पत्तियां हो गई हैं, और साथ में देखिए बेबी प्लांट भी काफ़ी सारे ग्रो हो रहे हैं। तो इन सबको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अलग अलग करके अलग अलग प्लांटर दे दूँ, थोड़ा बड़ा प्लांटर दे दूँ तो ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। और इसमें मिट्टी भी नहीं, सिर्फ सैंड में लगे हैं तो इनकी मिट्टी मतलब सूख जाती है एकदम से, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। उसके बाद देखिए ये है ड्रेसिना, गुड लक प्लांट भी बोलते हैं, और भी कुछ नाम है मुझे याद नहीं है। तो इसकी भी कटिंग मैंने अभी कल परसों ही लगाई है और प्लांट बहुत लंबा लंबा सा हो गया तो मैंने छोटी छोटी कटिंग लगा दी है, देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसके बाद देखिए ये एक स्नेक प्लांट की ही वैरायटी है, बोन सेल कुछ ऐसा नाम है शायद, मैं भूल गई नाम पूरा प्रॉपर नाम। तो इसको भी आप इस तरह से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, या तो इसमें छोटे छोटे बेबी पप्स निकलते हैं उससे भी आप इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। एक प्लांट हम नर्सरी में इसका मैंने पता किया था उस दिन, तो 300 में इसका एक प्लांट मिल रहा था, काफ़ी कॉस्टली प्लांट आता है ये भी। इसके बाद देखिए सिंगोनियम कोई सी भी वैरायटी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये अरेलिया, अरेलिया में आपको देखिए इस तरह से मैं आपको इधर दिखा देती हूँ, ये वेरीगेटेड अरेलिया है। इसको आप कटिंग से इतनी तोड़ करके ऊपर से लगा देंगे, नीचे का प्लांट अलग ही बूसी हो जाएगा, घना हो जाएगा, और
ऊपर का अलग ही आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा, तो इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर इन प्लांट को कटिंग से ग्रो किया था, इस साल मैंने नहीं लगाई कटिंग, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे प्लांट हैं और जगह भी नहीं है हर प्लांट की कटिंग लगाने को। इसके बाद देखिए ड्रेसिना, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे, इसका मतलब प्लांट मेरा अब ख़राब हो गया धीरे धीरे, तो मैंने उसको हटा दिया है। और ये कटिंग से दो प्लांट मैंने, देखिए दो प्लांट यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई थी, और ये दो कटिंग मैंने ये लगाई थी, तो मेरे पास ये भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। उसके बाद देखिए एक क्रोटन का प्लांट है, क्रोटन के प्लांट भी वैसे जब बारिश अच्छी होती रहती है तो बहुत अच्छा ग्रो होता है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे लगातार बारिश नहीं भी हो रही है तो आप इसको लगा करके सैंड में और छाया में रख दीजिए, धूप नहीं पड़नी चाहिए, धूप पड़ेगी तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी, तो धूप पड़ने से कटिंग ख़राब हो जाती है, इसलिए छाया में रखिए लगा करके, तो कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। इसके बाद देखिए ये पान का पत्ता, पान के जो पत्ते होते हैं, पान का प्लांट होता है, आप पान को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मेरा देखिए कितने सुंदर इसके पत्ते फैल रहे हैं यहाँ पर भी, ये देखिए पूरे मनी प्लांट की स्टिक में अभी चढ़ना शुरू हो गया, और इधर भी एक छोटे से में मैंने कटिंग लगाई थी, तो इसमें तो बहुत सारी नीचे नीचे रूटिंग भी हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से रूटिंग हुई है, देखिए जगह जगह से रूटिंग हुई है, तो यहाँ से कट करके अगर हम इसको लगा देते हैं कहीं पर भी तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। ये देखिए पूरा मिट्टी में अटैच है, यहाँ से कट करके हम इसका नया प्लांट तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और वैसे इसका मनी प्लांट की तरह जैसे एक एक नोड हम लेते हैं ना यहाँ से नोड एरिया, तो इस तरह से एक एक पत्ते से भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। मेरे गार्डन में देखिए मैंने नारियल का प्लांट, नारियल का रखा था, तो ये देखिए नारियल में रूट आ गई है, और ये यहाँ से देखिए इसका फुटाव भी निकलने वाला है, तो मैंने इसको यहीं पर रखा हुआ है, यहाँ पानी पड़ता रहता है तो ये ग्रो हो गया धीरे धीरे। पहले कुछ दिन मैंने इसको पानी में डुबा के रखा था। और ये देखिए क्रोटन की मैंने कितनी सारी कटिंग लगाई है, बस केयर नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी कटिंग और बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। ये कुछ टाइम पहले ये देखिए ड्रेसिना की कटिंग लगाई थी, ये कटिंग भी मेरी ग्रो हो गई काफ़ी अच्छी, और ये क्रोटन भी ग्रो हो गया है, तो इनको रिपोर्ट करना है। देखिए प्योर सैंड में लगे हुए हैं, आपको दिखा दूँ अगर, तो ये देखिए प्योर सैंड में लगे हुए हैं, सैंड में कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया कटिंग लगाई थी, ये भी मेरी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई, ये भी देखिए प्योर सैंड में ही लगी हुई है, ये देखिए सैंड में लगा हुआ, मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया अभी तक इसको। और ये देखिए पान का प्लांट कितनी अच्छी इसकी रूट्स यहाँ से बढ़ते बढ़ते दीवार में चिपक के जा रहा है, मैं इसको हटाऊंगी नहीं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और इसी तरह से ये एक सिंगोनियम की वैरायटी है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इसने भी दीवार में पकड़ा हुआ जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मनी प्लांट की कोई सी वैरायटी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए ये है क्रीपर चार्ली का प्लांट, इसको भी आप छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन आप इसको धूप में मत रखिएगा, मेरा प्लांट थोड़ा धूप में रहता है, देखिए पत्ते पीले पीले से हो रहे हैं, जो पार्ट इधर घूमा रहता है उसमें देखिए छाया पड़ रही, तो इसके पत्ते ग्रीन हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं ये देखिए। उसके बाद ये देखिए पर्पल हार्ट है, इसमें छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं, तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस समय छोटी छोटी कटिंग से। मैंने इसकी पूरी प्रूनिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था प्लांट, तो मैं सोच रही थी कटिंग लगाऊं, अभी देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग रखी भी है, ये देखिए परसों कट करके रखा था और मैंने इसको सूखा ही रखा हुआ है, अभी भी लगा दूंगी तो ये ग्रो हो जाएगा, तो एक एक कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इस समय आप इसकी कोयले से कटिंग भी बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, तो बहुत ये तो वैसे साल के 12 महीने आप कभी भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इस समय कुछ लोग पूछ रहे थे अडेनियम की कटिंग हम लगा सकते हैं कि नहीं, तो अडेनियम की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अडेनियम की कटिंग लगाने से पहले उसको कम से कम 1 हफ्ते आप छाया में सुखा लीजिए, उसके बाद ही लगाइएगा, नहीं तो उसमें फंगस लगेगा और कटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। तो अडेनियम की कटिंग को भी आप ग्रो कर सकते हैं, और हाँ बारिश के पानी से उसको बचा के रखिएगा, बारिश के पानी में रखेंगे तो आपकी कटिंग नहीं चल पाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, तो कोई से भी प्लांट की आप इस समय कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और मेरे यहाँ जो कटिंग अभी इस समय नहीं चल पा रही वो है हिबिस्कस की, हिबिस्कस के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा मौसम होना चाहिए जब बारिश लगातार होती रहती है, तो हम बारिश में रखते हैं प्लांट को तो हमारी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। वैसे तो नॉर्मली सारी कटिंग ऐसे ही चलती है, मतलब अच्छे से ग्रो होती है, लेकिन हिबिस्कस में क्या होता है, अच्छा उसमें पानी पड़ता रहता है ना, तो कटिंग आसानी से ग्रो होती है। मेरे यहाँ का जो मौसम है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं सैंड में कटिंग लगाती हूँ, और सैंड में जब कटिंग लगाते हैं तो उसमें पानी मतलब मॉइस्चर और नमी थोड़ी सी बनी रहनी चाहिए हर समय एनी टाइम, तो कटिंग हमारी बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो मैंने हिबिस्कस 2 बार लगाया, लेकिन दोनों बार मेरी कटिंग अच्छे से सक्सेस नहीं हुई है, और फिर मेरा मन भी नहीं था बहुत ज़्यादा लगाने का, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं किया, थोड़ा बस लगा दिया था आप लोगों को बताने के लिए किस तरह से मैं लगाती हूँ, पर वो उतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला नहीं इस बार, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम आप लोग देख ही रहे हैं कि बारिश बिल्कुल नाम मात्र की ही बारिश हुई थी, और उसके बाद फिर बारिश नहीं हुई। ये कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट हैं जिनको आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप कलांजो कटिंग इस समय ज़रूर लगाइएगा, आपको बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, साथ में आपका विंटर गार्डन भी कलांचो से पूरा भर जाएगा। देखिए इस अडेनियम का कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत है,
तो पता नहीं कैमरे में इतना सुंदर आ रहा है कि नहीं, बहुत ट्रिपल लेयर, कभी कभी तो इसमें फोर्थ लेयर दिखते हैं, देखिए एक दो तीन और ये अंदर चार निकलेगा ऐसा लग रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत है। और कभी सिर्फ दो लेयर ही इसमें फूल निकलता है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।